नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों क्लास 12th का जो है हिंदी का मॉडल सेट का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, ठीक है। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम 3 अक्टूबर से स्टार्ट है, तो अगर आप चाहते हैं एग्ज़ाम में बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो आप लोगों को दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम में 70 से 80% मार्क्स आए, तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मॉडल पेपर जो है बिहार ओपन बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को आंसर के साथ जो है मॉडल पेपर आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं सबके जो है आप लोगों को आंसर बताऊंगा क्या क्या आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा उच्च माध्यमिक 12th के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, और ये सब्जेक्ट हमारा हिंदी है। आप लोगों को 100 नंबर का हिंदी का पेपर, 30 नंबर पास के लिए चाहिए, और 3 घंटा 15 मिनट का समय होता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हाई स्कोरिंग मार्क्स है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो सोल्यूशन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका जो मार्क्स तो बढ़ेगा नहीं, गलत ही हो जाएगा। इसीलिए अगर आप परसेंटेज ज़्यादा लाना चाहते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव आपको आने चाहिए। तो चलिए मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के बारे में बताता हूँ। हो सकता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला जो है रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है दोस्तों, सही विकल्प भरें, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 2 विकल्प दे दिया गया है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरें। तो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं अर्धनारी स्वर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अर्धनारी स्वर डैश का कल्पित रूप है, ठीक है दोस्तों। अर्धनारी स्वर डैश का कल्पित रूप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ऑप्शन हमारा दिया गया है, शंकर और पार्वती, राधा और कृष्ण। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा, ये शंकर और पार्वती हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दूसरा नंबर, आधे अधूरे के रचनाकार कौन है, ठीक है। आधे अधूरे के जो रचनाकार है दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिया गया है, मोहन राकेश और यहाँ पे विष्णु राम। तो आप लोगों का जो 2 का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहन राकेश, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं 1 का जो हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शंकर पार्वती, और 2 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मोहन राकेश, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, कबीर के गुरु कौन थे। मगर दोस्तों यहाँ पे कबीर के गुरु कौन थे, यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे हमको जो है फिल करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कबीर के जो गुरु थे दोस्तों, यहाँ पे रामानंद थे, ठीक है। कबीर के जो गुरु थे आप लोगों को पता होना चाहिए, रामानंद थे। अब 3 चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मती राम, ठीक है दोस्तों। मती राम डैश के प्रतिभा संपन्न उत्कृष्ट कवि थे, ठीक है दोस्तों। 4 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं मती राम डैश के प्रतिभा संपन्न उत्कृष्ट कवि थे, ठीक है दोस्तों। 4 का हमारा हो जाएगा ब्रजभाषा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रजभाषा, समझ रहे हैं। 5 का जो आंसर हो जाएगा जूठन आत्मकथा, ठीक है दोस्तों। जूठन आत्मकथा डैश द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से आप लोगों को चुनना है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जूठन आत्मकथा जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, ठीक है दोस्तों। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था जूठन आत्मकथा, ठीक है। तो आप लोगों का 5 का जो आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। उसी तरह 6 का आप देख सकते हैं, शिक्षा का सही अर्थ है, ठीक है दोस्तों। शिक्षा का सही अर्थ क्या है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए शिक्षा का जो सही अर्थ है दोस्तों क्या है, आलोचना तो नहीं होगा, विचारों का शुद्धिकरण। तो हमारा 6 का हो जाएगा विचारों का शुद्धिकरण। वहीं पर आप लोग देख सकते हैं 7 का आ जाइए, 7 का देख सकते हैं पद्मावत की रचना डैश ने की, ठीक है दोस्तों। पद्मावत की जो रचना है दोस्तों डैश ने की, यहाँ पे देखिए। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पद्मावत की जो रचना है दोस्तों वो जैसी ने की थी। किसने की थी दोस्तों, जैसी ने, यहाँ पे देख सकते हैं जैसी होगा। वहीं पे आ सकते हैं आप दोस्तों, तुलसी राम के जो गुरु थे वो कौन थे दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत यहाँ पे टाइप किया गया। आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों, नहरी दास
क्या दोस्तों? नरहि दास, ठीक है। क्या है दोस्तों? नर ही अलग होगा, दास अलग होगा इसमें, ठीक है, या एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आठ का जो हमारा आंसर हो जाएगा, आठ का जो यहाँ पे तुलसीदास के जो गुरु थे, कौन थे दोस्तों? नर ही दास। चलिए तो आप लोग समझ गए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो रिक्त स्थानों को सारे बता दिए, ठीक है दोस्तों। ये सारे आंसर जो है दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ बिल्कुल ही सही है। आप लोग जो है अगर चाहते हैं, अगर लग रहा है आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप लोग अपने बुक में जाके मिला सकते हैं या नेट पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है मैं आपको सही सही बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित का सही और गलत चिन्ह लगाएं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है कौन से सेंटेंस जो है सही है और कौन से सेंटेंस जो है यहाँ पे गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए दोस्तों, नौ का जो है धाकड़ शब्द का अर्थ, देखिए धाकड़ शब्द का अर्थ भाड़े का मजदूर, ये सही है या गलत है? तो आप लोगों को पता होगा सही है दोस्तों, धाकड़ शब्द का जो अर्थ होता है भाड़े का मजदूर होता है। तो उसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही। यहाँ पे लिखेंगे हम सही, नौ का जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण भारत से शक्ति आंदोलन का सूत्रपात्र हुआ, ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। दक्षिण भारत से शक्ति आंदोलन का सूत्रपात्र हुआ था दोस्तों, तो इसका मतलब हमारा दस का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दस का भी हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। उस तरह हमारा अगला देख लेते हैं, ग्यारह, बिहार बंधु मासिक पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी, ये क्या सही? नहीं तो दोस्तों ये गलत है, बिहार बंधु जो है मासिक पत्रिका इलाहाबाद से नहीं निकलती थी, ठीक है। तो 11 का जो हमारा हो जाएगा, 11 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप यहाँ पे गलत कर दीजिएगा, ठीक है। 11 का जो हो जाएगा हमारा गलत, ये जो सेंटेंस है ये हमारा गलत है। और वहीं पर आ जाइए आप, 12 नंबर का आप देख सकते हैं, 12 नंबर का है, भारतेंदु युग आधुनिक काल का द्वितीय चरण है, तो नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा। 12 का भी हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 12 का भी हमारा गलत हो जाएगा। अब 13 का आ जाइए, 13 का जो हमारा सेंटेंस कह रहा है, निबंध एक ऐसी विद्या है जिससे लेखक के व्यक्तित्व की पहचान होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 13 का हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 का हमारा हो जाएगा सही, सही सेंटेंस है। 14 का वहीं पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या बोला जा रहा है? 14 यहाँ पे देख सकते हैं, 14 अधिनायक कविता रघुवीर सहायक द्वारा रचित है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अधिनायक कविता जो है रघुवीर सहाय द्वारा रची गई थी, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, सही हमारा 14 का भी सही हो जाएगा। अब आते हैं 15 नंबर पे, 15 नंबर का देखते हैं दोस्तों, उसने कहा था एक निबंध, ठीक है दोस्तों। ये जो उसने कहा था, क्या ये एक निबंध है? तो नहीं, ये गलत है। उसने कहा था ये एक निबंध नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा सेंटेंस गलत, 15 का हमारा गलत हो जाएगा। अब आ जाइए 16 नंबर का, जो हमारा जो आप लोगों से पूछा जा रहा है, सही मिलान करें, आप लोगों को ये क्या है? मिलाने वाला है, ठीक है दोस्तों, आपको ये जो है इनके साथ मिलाना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं 16 का जो एक क्या है, सिपाही की माँ, ठीक है दोस्तों। ये मैं आप लोगों को एक एक करके मैं आप लोगों को मिला देता हूँ, एक का क्या होगा। चलिए तो सिपाही की माँ जो हो जाएगा दोस्तों, एक का जो हमारा हो जाएगा ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मोहन राकेश, ठीक है, सिपाही की माँ मोहन राकेश, ठीक है। उसके बाद जूठन जो हमारा हो जाएगा, दूसरा नंबर का जो हो जाएगा हमारा दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ऊपर में अभी पढ़े होंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है। जूठन किसकी रचना थी? ओम प्रकाश वाल्मीकि। वहीं पे आप देख सकते हैं उषा देख सकते हैं दोस्तों, ये उषा जो देख, तीसरा नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा उषा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा उषा। उस तरह यहाँ पे देख सकते हैं हार जीत जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हार जीत जो हमारा हो जाएगा गोवा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अशोक वाजपेयी, हार जीत तो हमारा अशोक वाजपेयी द्वारा लिखा। और यहाँ पे गांव का घर, ठीक है दोस्तों, गांव का घर का जो हमारा लास्ट है, तो ये हमारा का ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, तो एक का हमारा ख हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, एक का जो हमारा हो जाएगा ख हो जाएगा, दो का जो हो जाएगा ण हो जाएगा, यहाँ पे सबसे लास्ट वाला। उसी तरह तीन का जो हमारा हो जाएगा घ हो जाएगा, चार का जो हमारा हो जाएगा ग हो जाएगा, और पाँच का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को मिला दी, आप ये नोट कर सकते हैं, ठीक है।
एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को मिला दूँ। मिलाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप लोग जो है रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए एक ही चीज़ को मैं आप लोगों को कितना बार बताऊँगा, 17 का आप लोग देख सकते हैं। 17 का हमारा पूछा जा रहा है दोस्तों, 17 का जो हमारा क्वेश्चन है वो है वाक् शक्ति का अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, वाक् शक्ति किसका अभिप्राय है? तो आप लोगों को पता होगा ये हमारा सी नंबर, बोलने की शक्ति। ठीक है दोस्तों, वाक् क्या? बोलना होता है, बोलने की शक्ति। 18 का जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, आदिकाल का विस्तार माना जाता है। आदिकाल का जो विस्तार हमारा माना जाता है वो दोस्तों 7वीं और 14वीं सदी में। ठीक है, आदिकाल का जो विस्तार हुआ था हमारा दोस्तों 7वीं और 14वीं सदी में। ये अब आ जाइए 19वां नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, प्रातःकाल का नभ कैसा है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रातःकाल का नभ कैसा है तो हमारा 19 का हो जाएगा नीला। प्रातःकाल का जो हमारा जो आकाश होता है वो क्या होता है? नीला होता है। चलिए ठीक है, आप लोग सवेरे उठ के देखिएगा, सवेरे सवेरे जो है आकाश का जो हमारा होता है नीला रंग का होता है। 20 का हमारा देख लीजिए, हार जीत में कौन समास है? तो ठीक है दोस्तों, 20 का जो हमारा हो जाएगा कौन सा समास है? हार जीत, तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 का हमारा सी हो जाएगा। चलिए, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये तो बहुत आसान है दोस्तों, खेत रहना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा, घर का बाहरी भाग। ठीक है दोस्तों, सॉरी ये नहीं है हमारा, क्या है ये 21 का हमारा क्या हो जाएगा? खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, मारा जाना, खेत रहना। ठीक है, 21 का जो हमारा हो जाएगा क हो जाएगा, मारा, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होगा मारा जाना। ठीक है दोस्तों, वहीं पे आप देख सकते हैं 22 का जो हमारा हो जाएगा, अंतःपुर का क्या अर्थ है? अंतःपुर का जो हमारा क्या अर्थ जो हो जाएगा हमारा दोस्तों वो बी हो जाएगा, घर का आंतरिक भाग जो ड्योडी के बाद पड़ता है। ठीक है, तो अंतःपुर का जो अर्थ हो जाएगा हमारा हो जाएगा 22 का बी आंसर हो जाएगा। चलिए अब 23 नंबर का आ जाते हैं, 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, मुन्नी और बिस्नी में क्या संबंध था? ठीक है, मुन्नी और बिस्नी में जो क्या संबंध था दोस्तों, ये जो हमारा जो मुन्नी और बिस्नी में ये जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोगों ने 12th क्लास का जो हिंदी चैप्टर पढ़ा होगा, मुन्नी और बिस्नी में दोस्तों क्या संबंध था, तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये हमारा पुत्री और माता का संबंध था। ठीक है, अब आ जाइए यहीं पर 24 पे, नितांत का सही अर्थ क्या है? ठीक है दोस्तों, नितांत का जो सही अर्थ है वो हमारा हो जाएगा 24 का जो हो जाएगा हमारा वो ख, यानी कि बी हो जाएगा, बिल्कुल। नितांत का जो हमारा सही अर्थ होता है क्या दोस्तों? बिल्कुल होता है, नितांत माने बिल्कुल। अब आ जाइए दोस्तों 25 का, 25 नंबर का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 25 नंबर, सुखदेव के नाम पत्र लिखा है। ठीक है दोस्तों, सुखदेव के नाम पत्र लिखा, तो ये सरदार भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 25 का ए हो जाएगा। अब 26 नंबर, शमशेर बहादुर सिंह लेखक का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह का, सिंह लेखक का जो जन्म हुआ था हमारा देहरादून में हुआ था। 26 का हमारा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो पोर्शन है हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव जो है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव जो हमारा हो गया दोस्तों क्या हो गया? ये हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस तरह से आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हमारा लघु उत्तरीय है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है ये आप लोगों से पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान आसान है, आप लोग बना लीजिएगा। चलिए, मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव कर दिए। अब ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो आप लोगों को दोस्तों, मैं लॉन्ग टाइप के बारे में नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट नोट बना रहा हूँ, तो उसमें आप लोगों को ये सारी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ लॉन्ग टाइप में क्या क्या पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक और मालती में कैसा संबंध है। ठीक है, ये आप लोगों को सारे उषा का जादू, ठीक है दोस्तों, इस तरह से कुछ ज़्यादा नहीं है, तो ये इस तरह से हमारे क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये यहीं तक है, 35 यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं, ये हमारा मॉडल पेपर। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है 35, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो है 35 नंबर जो है आप लोगों से निबंध पूछा जा रहा है, ठीक है। 200 शब्दों में निबंध लिखना है भूमिका, ठीक है दोस्तों। भूमिका निबंध आप लोग चार में से एक लिख सकते हैं, भूमिका पे लिख सकते हैं, विषय वस्तु पे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद उपसंहार पे अथवा आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को शाखा पर SBI के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें होम लोन, आपको जो है SBI बैंक के पास आप लोग एक पत्र लिखे जिसमें आप लोगों को होम लोन के बारे में आप लोग आग्रह कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोगों ने देखा मॉडल पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे नहीं लगता ये कोई भी ज़्यादा इसमें बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा आसान है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो है हिंदी का ये जो मॉडल पेपर है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 तारीख को, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।